बिग बॉस 16 के एक कंटेस्टेंट अब्दू रॉजिक और एमसी स्टैन की लड़ाई इस वक्त सुर्खियों में छाई हुई है। दोनों के बीच का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिन बीतने के साथ इन दोनों के बीच की दुश्मनी भी बढ़ती ही जा रही है। अब्दू ने एमसी स्टैन के साथ अपनी लड़ाई के बारे में सोशल मीडिया पर कई बातें शेयर की है। वहीं अब हर कोई इनके बीच की लड़ाई के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। अब्दू रॉजिक ने कुछ दिनों पहले कहा था कि एमसी स्टैन उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहे हैं। हालांकि एमसी स्टैन ने अभी तक इस मामले को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। फिलहाल अब्दू रॉजिक और उनकी टीम ने एमसी स्टैन के खिलाफ एक बयान जारी किया है। इस बयान में लड़ाई का कारण भी बताया गया है। आपको बता दें कि एमसी स्टैन और उनके फैंस अब्दू रॉजिक से बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। वह लोग तजाकिस्तान के सिंगर यानी छोटा भाईजान को ट्रोल कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं और भद्दे कमेंट्स भी कर रहे हैं। ये सब चीजें अब्दू और उनकी टीम को अच्छी नहीं लगी। ऐसे में अब्दू रॉजिक का मजाक उड़ाने वाले लोगों की निंदा करते हुए उनकी टीम की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें लड़ाई के कारण का खुलासा भी किया गया है। जारी किए गए बयान में अब्दू रॉजिक का काम देख रही टीम ने एमसी स्टैन के मैनेजर पर अब्दू के साथ गलत व्यवहार करने, गाली देने और उनकी कार का पैनल तोड़ने के आरोप लगाए हैं। बयान में कहा गया है कि सबसे पहले हम सभी को रमजान मुबारक की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सभी को हमेशा शांति से रहने के लिए कहना चाहते हैं। हमने महसूस किया कि रमजान के महीने में अब्दू रॉजिक और एमसी स्टैन के बीच हो रहे विवाद को साफ करना जरूरी है। बयान में आगे कहा गया है कि 20 मार्च को बॉलीवुड फिल्म मेकर साजिद खान छोटा भाईजान यानी अब्दुल रॉजिक से मिले थे और एमसी स्टैन से फोन पर बात की थी। साजिद खान ने भी उनसे इस विवाद का कारण पूछा था, लेकिन आज तक स्टैन ने कोई जवाब नहीं दिया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। वहीं अब्दू की टीम ने बयान में कहा है कि कुछ म्यूजिक कंपनीज एमसी स्टैन और अब्दू रॉजिक के साथ में काम करना चाहते थे, लेकिन एमसी स्टैन ने उन्हें यह कहते हुए मना कर दिया कि वह अब्दू के साथ कोई काम नहीं करना चाहते हैं। वहीं अब्दू रॉजिक ने बताया कि बिग बॉस के फिनाले वाले दिन एमसी स्टैन उनसे गुस्सा हो गए थे क्योंकि अब्दू उस दिन स्टैन की मां के साथ तस्वीर नहीं ले पाए थे। वहीं स्टैन इस बात से नाराज हो गए थे। वहीं बता दी कि उन्होंने आगे लिखा बयान में कि 11 मार्च को अब्दू और स्टैन दोनों बैंगलोर में थे। अब्दू ने स्टैन के मैनेजर से बात की थी और कहा था कि वह एमसी स्टैन के कंसर्ट में सपोर्ट करना चाहते हैं, जिस पर अब्दू से कहा गया कि स्टैन उन्हें कार्यक्रम में नहीं चाहते हैं। वहीं अब्दू ने सोचा कि एमसी स्टैन की टीम से ये गलती हो गई होगी। इसके बाद उन्होंने एक गेस्ट के रूप में टिकट खरीद कर उस कंसर्ट में जाने की कोशिश भी की, लेकिन रैपर के मैनेजर ने उन्हें कंसर्ट से बाहर निकाल दिया। और सोशल मीडिया पर इन दोनों की लड़ाई खूब सुर्खियों में है। कुछ लोग एमसी स्टैन का सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग अब्दू रॉजिक का। आप किसकी तरफ है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जनहित टाइम्स।